रजत कौर, वेलकम टू HJ न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि इसकी वजह से आप और हम जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंच पाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HJ न्यूज। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका HJ न्यूज पर। मैं हूँ आपके साथ सुरभि एक बार फिर। जी हाँ, बात कर रहे हैं आज एक ऐसी खास खबर की जो आपके निजी जीवन से जुड़ी है, या फिर ये कहा जाए कि हर किसी के जीवन से जुड़ी है। जी हाँ, रुपए पैसे किसे पसंद नहीं आते, आपको भी आते होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ कमेंट जरूर लिखिएगा। और आज का मैं सवाल कर रही हूँ आपसे कि क्या आप बैंकों का इस्तेमाल करते हैं? बैंक्स में अकाउंट हैं आपके, आपके और आपके परिवार के अकाउंट होंगे बैंक में? अगर हाँ तो यस लिखिए कमेंट बॉक्स में जाकर और बताइए कि क्या लगता है आपको बैंकों का यूज करने पर, मतलब बैंकों से आपको क्या फायदे मिलते हैं और कितनी जानकारी आपको मिलती है, इसी से जुड़ी है आज की हमारी खबर। चलिए शुरू करते हैं। बैंक में मिलते हैं आपको 10 अधिकार। अगर नहीं जानते तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम आपको यही बताने वाले हैं कि कौन से हैं वो 10 अधिकार जो बैंक्स की तरफ से आपको मिलते हैं। और अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। जी हाँ, बैंक में ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, बेहतर सुविधा मिले, यही सोचकर हम एक अच्छे से रिप्यूटेड बैंक में जाकर अपना खाता खुलवाना चाहते हैं और खुलवाते भी हैं। अब आपको बता दें कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर और अच्छी सुविधा के लिए RBI की ओर से बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया यानी BCSBI बनाया गया है, जो ग्राहकों के लिए कुछ अधिकार देती है। जी हाँ, कोई भी बैंक कर्मचारी आपको बेवजह परेशान करे या सर्विस उपलब्ध नहीं करवाए तो आप इन अधिकारों का इस्तेमाल करके आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यानी कि अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है और ज्यादा भीड़ में भी लगने की जरूरत नहीं है, आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं अगर आपको बैंक में कोई परेशानी करता है तो। साथ ही आपको शिकायत की एक रिसीविंग कॉपी वहां देनी होती है। आइए जानते हैं कौन से हैं वो 10 अधिकार जिनके साथ आप अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं और अपने आप को खुश रख सकते हैं बैंकिंग का सेवा प्राप्त करते दौरान। जी हाँ, BCBD यानी बेसिक या छोटा खाता हर व्यक्ति का अधिकार है। एक फोटो और बैंक का खाता खोलने के फॉर्म पर हस्ताक्षर करके अंगूठा लगाकर आप इसे खोल सकते हैं। इस खाते में लेन देन की सीमा हो, हालांकि कोई भी बैंक केवल परमानेंट पते के सबूत के अभाव में देश के किसी भी इलाके में रहने वाले भारतीय नागरिक के खाता खोलने से इनकार नहीं कर सकता। विशेष शर्तों की जानकारी पाने का हक, जी हाँ, बैंकों के लिए जरूरी है कि वे डिपॉजिट खाते की विशेष जानकारी और शर्तें ग्राहकों को बताते रहें। यदि किसी ग्राहक का मन में कोई सवाल है तो उसका जवाब भी दे, क्योंकि ये ग्राहक का अधिकार है, हक है कि वो ये सारी चीजें जान सकता है। अगर बैंक ऐसा नहीं कर रहा है, कोई डिटेल आपको नहीं मिल रही है तो आप इसकी शिकायत करा सकते हैं। BSBD खाते में अगर राशि शून्य हो गई है तो भी बैंक आपका खाता बंद नहीं कर सकता। मुफ्त में दोबारा खाता चालू करना, बैंक के खाते को दोबारा चालू कराने के लिए बैंक आपसे कोई फीस नहीं ले सकता, अगर ले रहा है तो ये गलत है। फटे पुराने नोट बदलवाना, अगर आपको कहीं से कोई फटा या पुराना नोट मिला है आप किसी बैंक की शाखा में जाकर अपने नोट बदल सकते हैं, बैंक नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकता। शिकायत का अधिकार, अगर आप बैंक की किसी सेवा से संतुष्ट नहीं हैं तो आप बैंक के शाखा अधिकारी से या टोल फ्री नंबर पर जाकर आप शिकायत कर सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं। और इसमें हर बैंक ब्रांच में शिकायत सुनने वाले अधिकारी का नाम व पता भी लिखा होता है और अधिकारी आपको एक शिकायत की रिसिप्ट या कॉपी भी देनी चाहिए और देता है। अगर नहीं देता है तो भी आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। फिर बुजुर्ग विकलांग दोनों को एक ही खिड़की में सारी सुविधाएं देना बैंकों के लिए बहुत जरूरी है, मान्य है। कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी NEFT के जरिए 50,000 रुपए तक की रकम किसी अन्य बैंक खाते में दे सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि संबंधित बैंक में उस व्यक्ति का कोई खाता हो। तो चेक कलेक्शन में बैंक की तरफ से निर्धारित समय से ज्यादा वक्त लगने पर ग्राहकों को मुआवजा का अधिकार है। मुआवजे की रकम साधारण ब्याज के दर के हिसाब से चुकाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर सिक्योरिटी वापस लेने का हक, यदि किसी बैंक ने लोन दिया है किसी ग्राहक को जिसके तहत एक सिक्योरिटी दी है तो इस मामले की पूरी लेन देन चुकाए जाने के 15 दिन के भीतर सिक्योरिटी वापस मिलनी चाहिए। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।